महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज फिर लोगों को संबोधित करेंगे। आज रात 8:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए जनता से संवाद करेंगे। इसलिए हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आज मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर बोलेंगे, आज के संवाद में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री, क्या राज्य में प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, यदि हाँ तो कहाँ, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम हो गई है। एक्टिव और नए कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इसी स्थिति को चलते लोकल ट्रेन को आम आदमी के लिए शुरू करने को लेकर भी निर्णय होने की संभावना है। राज्य में दुकानों पर कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों को लेकर भी फैसला लिए जाने की संभावना है। फिलहाल बार और रेस्टोरेंट को राज्य में 4:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन इस पाबंदी में बदलाव न होने के कारण नाराजगी जता रहे हैं। बार और रेस्टोरेंट मालिक सरकार से लगातार समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राज्य में व्यापारी संघ द्वारा धंधा और दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसीलिए व्यापारियों की भी नजर है कि मुख्यमंत्री इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। तीसरे लेवल के जिलों में 4:00 बजे तक दुकानों को चालू रखने की अनुमति है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शनिवार और रविवार को दुकानें पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी है। राज्य में लागू पाबंदियों में कुछ ढील देने की मांग लगातार की जा रही है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। कई जिलों में कोरोना के मामले कम है, वहीं 50% कर्मचारी के साथ दफ्तर शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन एयर कंडीशन के उपयोग पर मनाही है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट, सैलून और पार्लर भी धीरे धीरे अधिक संख्या के साथ शुरू किए जाएंगे। शनिवार और रविवार में अब सिर्फ शनिवार शाम तक दुकानों को चालू रखने की अनुमति है। अब इस पर सबकी नजर है कि क्या मुख्यमंत्री आज इस संबंध में भी कोई निर्णय लेंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।